ओके सबसे पहले फ्री फायर का एक ऐसा सेटिंग जो कि आपको अभी ऑन करके रखना है, उससे आपका हेडशॉट लगने का चांस बढ़ जाता है। पहले उसको ऑन कर लेते हैं, उसके बाद क्यों हेडशॉट ज्यादा लगेगा बताऊंगा। आपको गेम के सेटिंग के अंदर जाना है, देन आपको डिस्प्ले सेक्शन के अंदर जाना है एंड आपको हाई एपीएस को नॉर्मल से हाई पर सेट कर लेना है। एंड छोटा सेटिंग का क्या क्या फायदा है सुन लो। नंबर वन, जितना हाई एपीएस होगा उतना स्मूथ तुम्हारा गेम चलेगा। नंबर टू, हाई एपीएस के वजह से फोन का टच रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर एक बंदा लो एपीएस में खेल रहा है एंड हाई एपीएस में खेल रहे हो, दोनों एक साथ में एक दूसरे को गोली मारने से हाई एपीएस की वजह से आपका गोली उसको कुछ मिलीसेकंड पहले लग जाएगा एंड वो मर जाएगा। एंड ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है जो बंदे हेडशॉट मारते हैं उनको पता होगा। सो वेल, आज के वीडियो में मैं आपको ए टू जेड फ्री फायर का सारा सेटिंग बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप फ्री फायर में प्रो कहलाना चाहते हो। सो बिना माँ की दुआ दिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, आप एक लाइक एंड कमेंट कर सकते हो, उससे मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। एंड जो भाई लाइक एंड कमेंट करेगा उन सभी को मैं अपना हार्ट एंड रिप्लाई दूंगा। ओके, सबसे पहले बेसिक सेटिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग, आपको अपना गेम आईडी को फेसबुक या फिर गूगल के साथ बिंड करके रखना है। इससे आपका आईडी सिक्योर रहेगा, कभी भी गेस्ट आईडी में मत खेलो। एंड इसके नीचे आपको सेटिंग सिंक का ऑप्शन मिलेगा एंड ये द बेस्ट सेटिंग है फ्री फायर का। अगर आपका कस्टम एचयूडी खराब हो गया एंड आप टेंशन में हो क्या करोगे, फिर से एक एक करके सेटिंग को सही करना इम्पॉसिबल है। बट अगर आप अपना सेटिंग को पहले जो है अपलोड कर देते हो यहाँ पर, तो उसके बाद जितना मर्जी कस्टम एचयूडी को खराब करो, यहां पर आकर डाउनलोड बटन पर क्लिक करने से फिर से वापस आपका पुराना सेटिंग आ जाएगा जैसे पहले था। ओके, इसके बाद आता है सेंसिटिविटी। एंड ये सेटिंग फ्री फायर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। एंड आपके फोन के हिसाब से सही सेंसिटिविटी को ढूंढना उतना कठिन है जितना रेगिस्तान में पानी। बट मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ अच्छा गेम प्ले एंड हेडशॉट के लिए आपको क्या सेंसिटिविटी रखना है। नीचे से जाएंगे, फ्री लुक को बिल्कुल इग्नोर करो, उसका इतना काम नहीं है। स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को आपको 40-50 के आसपास रखना है, ज्यादा नहीं, नहीं तो ज्यादा सेंसिटिविटी की वजह से आप सही से एम नहीं ले पाओगे। 4x स्कोप सेंसिटिविटी को आपको 100 रखना है एंड उसके बाद 2x स्कोप को भी आपको 100 रखना है। रेड डॉट सेंसिटिविटी को आपको 97 रखना है। एंड अभी बारी आता है मेन सेंसिटिविटी जनरल की, जिसके ऊपर 95% सेंसिटिविटी डिपेंड करता है। अगर आपके पास थोड़ा पुराना फोन या फिर लो एंड का फोन है, उसमें आपको जनरल को हमेशा 100 करके रखना है। बट अगर आपके पास अच्छा खासा हाई एंड का डिवाइस है, उसमें आपको जनरल को फुल ना करके 90 के आसपास करके रखना है। उसके बाद चलते हैं कंट्रोल सेटिंग पर। सबसे पहला एम प्रिसाइजन, जिसको आपको डिफॉल्ट ही रहने देना है। नेक्स्ट लेफ्ट फायर बटन, जिसको आपको ऑलवेज रखना है, उससे स्कोपिंग करने के टाइम आप आसानी से लेफ्ट फिंगर से फायर कर पाओगे। देन होल्ड फायर टू स्कोप को आपको ऑन रखना है, उससे स्नाइपर चलाने के टाइम फायर बटन को दबा के रखने से ऑटोमेटिक स्कोप ओपन हो जाता है। देन आता है क्विक वेपन स्विच, जिसको आपको ऑन तभी करके रखना है अगर आप 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर में खेलते हो। अगर आप मेरे तरह 2 फिंगर में खेलते हो तो इसको ऑफ रहने दो। नेक्स्ट क्विक रिलोड, जिसको आपको ऑफ ही रहने देना है, उसका कुछ खास यूज नहीं है। एंड ये रिलोड प्रोग्रेस इन क्रॉस एयर को हमेशा ऑफ रखो, नहीं तो एम के बीच में ऐसा बेकार रिलोड का सिंबल रह जाता है। नेक्स्ट फ्री लुक, जिसको आपको हमेशा ऑन रखना है, उसका बहुत सारा फायदा है। आप गाड़ी चलाने के टाइम पीछे देख सकते हो, पैराशूट से उतरने के टाइम आपके साथ कितने बंदे उतर रहे हैं देख सकते हो, एंड इवन भागते हुए अपने आसपास का नजारा कुछ इस तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट पैराशूट, स्प्रिंट एंड ड्राइव, ये 3 सेटिंग को आपको ऑन रखना है। एंड ऑटो स्विच गन को भी आपको ऑन रखना है, उससे अगर आपका एक गन में से गोली खत्म हो जाता है, देन ऑटोमेटिक आपके हाथ में आपका दूसरा गन आ जाएगा, उससे आप आसानी से एनिमी को मार पाओगे। ओके, नेक्स्ट आता है ग्रेनेड स्लॉट, जिसका 2 ऑप्शन है, सिंगल स्लॉट एंड डबल स्लॉट। अगर आप सिंगल स्लॉट रखते हो देन आपको एक ही बटन मिलेगा जिसमें हमारा ग्रेनेड एंड ग्लूवॉल एक साथ में होता है। एंड अगर आप डबल स्लॉट करके रखते हो देन आपका नेड एंड वॉल का एक अलग अलग स्लॉट हो जाएगा। मैं तो एक ही स्लॉट में रखता हूँ, आपके पसंद के हिसाब से आप रख सकते हो। देन ग्लूवॉल स्मार्ट थ्रो को आप ऑफ ही रहने दो एंड ऑटो पैराशूट को आपको ऑन रखना है। रन मोड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको क्लासिक ही रखना है। अगर आप ड्रैग या फिर मिक्स्ड रखते हो, नूब वॉक करने के टाइम आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिक स्प्रिंट कर लेगा एंड आप मर सकते हो। नेक्स्ट व्हीकल कंट्रोल को आपको 2-handed ही रखना है। अगर आप 1-handed रखोगे तो आपको गाड़ी एक ही उंगली से एनालॉग के मदद से चलाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। नोटिफिकेशन में आपको इन गेम टिप्स एंड एलिमिनेशन नोटिफिकेशन को सिंप्लीफाइड रखना है। अगर आप क्लासिक रखोगे तो किल करने पर स्क्रीन पर बड़ा टेक्स्ट आएगा एंड सिंप्लीफाइड रखने पर छोटा टेक्स्ट आएगा। विजुअल्स में पहले आता है क्रॉस
टाइप आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको क्या पसंद। पुराना क्रॉस हेयर कुछ ऐसा दिखता है एंड उसको न्यू करने से कुछ ऐसा दिखता है। डैमेज इंडिकेटर भी दो टाइप का है। अगर आप क्लासिक रखोगे आपका बॉडी शॉर्ट का कलर येलो आएगा एंड डैमेज थोड़ा छोटा दिखाएगा एंड ज्यादा टाइम के लिए दिखाएगा। एंड वहीं पर न्यू करने से आपका डैमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, कम टाइम के लिए दिखाएगा एंड बॉडी शॉर्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। आपके पसंद के हिसाब से आप रख लेना, मेरा तो यार क्लासिक ही पसंद है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट सेटिंग विजुअल इफेक्ट्स, जिसको आपको आंख बंद करके नो ब्लड पर रखना है। अगर आप क्लासिक या फिर डार्क रखोगे, आप जोन के बाहर जाने पर आपके स्क्रीन पर ऐसे रेड और ब्लैक कलर के छींटे नजर आएंगे, जिससे आप एनिमी को नहीं देख पाने की वजह से एनिमी आपको आसानी से मार देगा। नेक्स्ट आता है हीट मार्कर, जिसको न्यू रखने से ऐसा दिखता है एंड क्लासिक रखने से ऐसा दिखता है। मैं तो न्यू रखता हूँ, आपका चॉइस क्या है कॉमेंट में बताओ। टिममेट इन्फो सेटिंग का आपको दो ऑप्शन मिलता है, क्लासिक एंड ट्रांसल्यूसेंट। अगर आप क्लासिक रखते हो तो आपका टिममेट का नेम आपको लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज पर क्लियर दिखेगा एंड अगर आप ट्रांसल्यूसेंट रखते हो शॉर्ट रेंज पर आपका टिममेट का नाम थोड़ा फीका दिखेगा एंड लॉन्ग रेंज पर क्लियर दिखेगा एंड आपको ट्रांसल्यूसेंट ही रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कस्टम एचओडी सेटिंग के अंदर। इसमें आपको एक बेस्ट टिप बताता हूँ, अगर आप अभी टू फिंगर में खेलते हो एंड धीरे धीरे थ्री फिंगर या फिर फोर फिंगर में खेलने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, प्रीसेट वन में आपको अपना मेन एचओडी सेटिंग रखना है एंड प्रीसेट टू या फिर थ्री में आपको न्यू कस्टम एचओडी बनाकर प्रैक्टिस करना है। उससे आपका मेन कस्टम एचओडी खराब नहीं होगा एंड आप आराम से टू फिंगर से थ्री फिंगर पर शिफ्ट हो पाओगे। ओके, नेक्स्ट बारी आता है ऑटो पिकअप सेटिंग की। इसमें आपको जितने भी सेटिंग दिख रहे हैं आपको सारा का सारा ऑन रखना है, उससे ऑटोमेटिक चीजें आपके बैग के अंदर आ जाएंगे, आपको एक एक करके उठाना नहीं पड़ेगा। एंड इसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है जिसका नाम है ऑटो पिकअप स्पीड एंड आपको उसको डिफॉल्ट से हटाकर फास्ट पर रखना है, उससे लूट आपका नॉर्मल के मुकाबले काफी फास्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिस्प्ले सेटिंग के अंदर एंड यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊंगा जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर्स बताते नहीं है। मेरा मानो तो आपके पास जितना भी अच्छा फोन हो या फिर पुराना फोन हो, स्टैंडर्ड या फिर स्मूथ ग्राफिक्स पर खेलो, क्योंकि फ्री फायर खुद हमें बोलता है एचडी ग्राफिक्स शैडो एंड फिल्टर लगाकर खेलने से आपका गेम खराब चलेगा एंड अच्छे अच्छे प्लेयर्स लाइक व्हाइट एफएफ उसके पास आईफोन है तभी भी वो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर खेलता है एंड एफपीएस को आपको हाई रखना है, मैं आपको बता चुका हूं। एंड यहां पर जो एक गन शॉट अलर्ट का सेटिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ऑन रखोगे तो एनिमी आपको कहां से मार रहा है कुछ इस तरीके से गोली के सिंबल से आपको दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है साउंड सेटिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बंदे इसको मिस कर देते हैं। आपको हमेशा साउंड इफेक्ट को 100 करके रखना है, उससे अगर एनिमी आपके आसपास में होगा तो उसका फुटस्टेप आपको सुनाई देगा एंड आपको पता लग पाएगा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहां पर बंदा है एंड एक कैरेक्टर वॉइस को यार ऑफ रखो, दिमाग खराब करता है। ओके, नेक्स्ट सेटिंग आता है वाइब्रेशन, जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा बट इसको ऑन करने से आपका चार्ज जल्दी खत्म होता है तो इसको ऑफ ही रहने दो। ओके, नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन एंड यहाँ पे आपको सारा सेटिंग को एक्सेप्ट करके रखना है। क्या पता आपका गेम प्ले देखकर कोई लड़की पट जाए एंड आप अगर इन सेटिंग को रिजेक्ट रखोगे तो वो बेचारा आपको रिक्वेस्ट भेज ही नहीं पाएगा, तो यार इसको ऑन ही रखो। ओके, लास्ट में आता है फ्री फायर मैक्स सेटिंग, जो बंदे फ्री फायर मैक्स में खेलते हो उनको ये ऑप्शन दिखेगा एंड आपको इन ऑप्शन को ऑन रखना या फिर ऑफ रखना है वो आपके ऊपर है। अगर आपको ग्राफिक्स अच्छा चाहिए, आप मजे के लिए गेम खेलते हो एंड हार जीत आपके लिए मैटर नहीं करता, तो ये सारा का सारा सेटिंग आप ऑन रख सकते हो, उससे आपको गेम देखने के लिए अच्छा लगेगा एंड उसके साथ साथ आपका फोन लैग एंड हैंग भी होगा। बट अगर आप अपना गेम को लेकर सीरियस हो, आपको हेडशॉट मारना है, गेम को जीतना है चाहे थोड़ा ग्राफिक्स कम क्यों ना मिले, तो मेरा मानो प्लीज इन सारे सेटिंग को ऑफ ही रहने दो, आपको परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिलेगा एंड आपका गेम अच्छे से चल पाएगा एंड अल्टीमेटली आपका हेडशॉट भी अच्छे से लग पाएगा। देखो, सेटिंग तो कर लिया बट अगर आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है तो ये बीच वाली वीडियो को क्लिक करके देख लो, उसमें मैंने हेडशॉट एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाना है बताया है, एक बार देख लो एंड उसके बाद आपका हेडशॉट लगने का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा एंड आपका सारा का सारा गोली हेडशॉट ही लगेगा।